आनंद, तुम अचानक कोई कॉल भी नहीं किया है? सर, हमारे पिताजी कहा करते हैं कि मुसीबत कभी बोलकर थोड़ी ना आती है, और हमारी माताजी कहा करती हैं कि खुशियां भी कहां बोलकर आती हैं। शादी की सालगिरह मुबारक हो सर। ओहो, थैंक यू आनंद। वैसे ये गिफ्ट तुम आज शाम की पार्टी में भी ला सकते थे। सर, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। तुम नहीं सुधरोगे। अरे जब हम नहीं सुधर सके तो तुम कैसे सुधरोगे? नहीं सर, ऑफिस के लिए देर हो रही है, अब हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं, मैं भी तैयार हो जाता हूँ, तुम्हारे साथ ही ऑफिस चलूंगा। ठीक है सर, जैसा। आओ आनंद, आओ आओ आओ। नमस्कार मैडम जी। नमस्ते जी। देखो, हमारी सालगिरह के लिए आनंद ये गिफ्ट लेकर आया है। थैंक यू। सालगिरह मुबारक हो मैडम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। सिर्फ चाय? क्यों, आप चाय नहीं पियेंगे? सिर्फ चाय नहीं पियेंगे, साथ में बिस्किट भी मिल जाए तो। जी ठीक है, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। तुम तैयार हो, मैं बैठ कर आता। तुम बैठो, मैं तैयार होके आता हूँ। ठीक है सर। हाँ बीना। अयो दद्दा। हाँ बीना बोलो। आप ना अपने बॉस के लिए गलत गिफ्ट ले गए हैं। गलत गिफ्ट? क्यों, कहा है ना, बिमला बुआ ने अपनी सोने की अंगूठी हमें पॉलिश करवाने दी थी। हाँ। और उसकी डिबिया बिल्कुल उसी डिबिया की तरह थी जिसमें आप चांदी का सिक्का लाए थे। वो हमने अगल बगल में रखा था और राधिका ने गलती से उस चांदी के सिक्के वाली डिबिया की जगह सोने की अंगूठी वाली डिबिया आपको दे दी। क्या? अरे राम, यानी कि हमने सर को चांदी के सिक्के की जगह पर बिमला फूफी के सोने की अंगूठी को दे दी। हाँ, कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं थी, फूफा जी की आखिरी निशानी थी, बहुत कीमती उनके लिए। और जान ही ले लो तुम लोग हमारी। सर, आनंद सर, इनसे मिलो, ये है हमारी साली की सास मनोरमा जी। नमस्कार जी। खुश रहो, जुग जुग जियो, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हमको तो इस समय बहुत फर्क पड़ रहा है। सर सर, एक मिनट साइड में। एक्सक्यूज मी सर, एक गड़बड़ हो गई। क्या? छोटी वाली नहीं, बहुत बड़ी वाली हो गई है। अरे क्या? सर, हमारी बीवी ने गलती से हमारी फूफी की खानदानी अंगूठी आपको गिफ्ट कर दी है, अगर आप वापस दे दें तो। सर वापस? लेकिन वो तो मेरी बीवी ने मनोरमा जी को दे दी है। मनोरमा, ये वाली? हाँ ये वाली। और मनोरमा जी इतनी दबंग हैं जितना दबंग में सलमान खान भी नहीं था। वो किसी हालत में अंगूठी वापस नहीं करेंगी। तुम अगर चाहो तो मुझसे अंगूठी की कीमत ले सकते हो। अरे सर, कीमत लेके क्या करेंगे, ये हमारी फूफी के पास हमारे फूफा की आखिरी निशानी थी, कहीं आज ही हमारा आखिरी दिन ना हो जाए। ए जी, ये पेंडुलम की तरह ऐसे वैसे घूमने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करें, खूंटे की तरह दीवार में फिक्स हो जाएं? नहीं, बिमला बुआ के लिए बिल्कुल वैसी अंगूठी खरीद कर लाई, हूबहू वैसी अंगूठी। अरे कभी कोई हूबहू चीज इस दुनिया में आसानी से मिल सकती है क्या? हैं? एक बात बताओ, हमने दूसरी शादी की, क्या हूबहू हमको वैसी बीवी मिल गई? हमारी जैसी हूबहू कोई हो भी नहीं सकती। हाँ सो तो है। ए जी। हाँ। बुआ जी की अंगूठी कहाँ से कहाँ चली गई, अगर बुआ जी को पता चला ना तो रो रो के बुरा हाल कर देंगी। सो तो है। ओ हो। अरे आ गई। क्या आप मेरी अंगूठी ले आए सुनार के वहाँ से? वो तो हमने बॉस को दे दी। बॉस के सुनार को दे दी। सुनार के यहाँ दो बच्चे हुए हैं, एक दिन की छुट्टी। नहीं नहीं, एक बच्चा हुआ है, दो दिन की छुट्टी है। हाँ। दुकान बंद है। अंगूठी पहुँचते ही सुनार के घर बच्चा हो गया। ओ हो। सोचिए कितनी लकी अंगूठी है, वहां जाते ही बच्चा हो गया, यहाँ पे होती तो यहाँ भी एक नहीं। कितनी लकी है? लकी है। हाँ। इसलिए कल ले आना सुनार के पास।
अयोध्या, अब बुआ जी की अंगूठी कहाँ से लाएंगे? वो भी कल के कल। पता नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अरे बॉस का फोन है। एकदम चुप रहना, बीच में कुछ बोलना नहीं। बॉस का फोन है ना। अरे सर। आनंद सर, अंगूठी वापस हासिल करने में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। लेकिन नहीं कर सकता। कहा को? मैंने अभी अभी मनोरमा जी से ये कहा है कि ये अंगूठी बहुत ही मनहूस है। पहनने वाले के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। अच्छा अच्छा बोला, अच्छा बोला। तो उन्होंने साफ साफ कह दिया, ये सब अंधविश्वास है, मैं इसे नहीं मानती। I'm sorry आनंद, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। दरअसल मैडम जी ने जो आपको अंगूठी दी है ना, वो सिर्फ 10 ग्राम की है। जिस सुनार ने ये अंगूठी बनाई है, वो इसके बदले में आपको 15 ग्राम की सोने की चेन देने को तैयार है। 5 ग्राम सोना मुफ्त देकर वो अपना नुकसान क्यों करना चाहता है? क्योंकि दरअसल क्या है कि वो ये अंगूठी बेचना ही नहीं चाहता था। हाँ, उसके बेटे ने गलती से बेच दी। हो सकता है कि इस सुनार का इस अंगूठी के साथ कोई इमोशनल कनेक्शन हो। हाँ हाँ, वो सर रात भर रोता रहा, इसीलिए वो 10 ग्राम की अंगूठी वापस लेकर 15 ग्राम की चेन देना चाहता है। नहीं नहीं, कुछ भी हो, हमें ये अंगूठी बहुत पसंद है। हम ये अंगूठी नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ता है? गुड्डो चलो। क्या फर्क पड़ता है? अरे हमको तो बहुत फर्क पड़ता है, अब क्या करें सर? ये तो तुम मुझे बताओ आनंद, अब तुम क्या करोगे? हाँ, एक काम करते हैं, यही ऑफर हम अपनी फूफी को देने का ट्राई करते हैं। हो सकता है जो बात यहाँ नहीं बनी वो वहां बन जाए। ओहो हो, बिल्कुल नहीं। कोई अंगूठी के बदले 15 ग्राम की चेन तो क्या, 9 लाख का हार भी दे तो मैं ना लूं, क्योंकि वो अंगूठी बीना के फूफा जी की आखिरी निशानी है। लेकिन फूफी, आपको उस पुरानी सोने की अंगूठी के बदले में अगर ये 15 ग्राम की भारी सोने की चेन मिल रही है, तो इसमें नुकसान क्या है फूफी? ओहो हो, बोल दिया ना, हमको वही अंगूठी चाहिए। ठीक है, ला देंगे। बच्चे को सुनार हुआ है, मतलब सुनार को बच्चा हुआ है, दुकान खुलेगी तो ला देंगे। तो वो सुनार हमारी अंगूठी कब लौटाएगा? मतलब जब दुकान खुलेगी तब। ओहो हो, एजी, इस ड्रामा में इमोशन भी है। फूफी जी से पूछिए ना कि फूफा जी की पहली निशानी आखिरी निशानी कैसे हो गई। अरे इतना भी नहीं समझती हो, फूफा जी ने फूफी को पहले, बाद में या इसके अलावा कोई भी गिफ्ट नहीं दिया। ऐसा क्यों? अरे क्योंकि हर मर्द इस दुनिया का हमारे जैसा दिलदार नहीं होता। तेवर तो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे बाजार से रोज सब्जी की जगह आप 2-2.5 किलो हमारे लिए सोने के जेवर लेकर आते थे। अगर हम इतना जेवर तुम्हारे फोटो पे लाकर टांग देंगे ना, तो तुम्हारी फोटो ही चोरी हो जाएगी, समझी? अयोध्या, बुआ जी की अंगूठी कब्र कैसे लाएंगे और कहां से लाएंगे आप? अब तो कुछ भी हो, अंगूठी हम ला कर रहेंगे। अरे मैं तो कहता हूँ कि पप्पी पहलवान को भेजवा करना, मनोरमा आंटी की ना अंगूठी ले लेनी चाहिए हमें वापस। हाँ देखो, हमको ना ये सब बकलोल आइडिया मत दिया करो। हम अपने बॉस के साथ दादागिरी नहीं कर सकते। डैडी, मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें एक पार्टी सीन में हीरोइन के गले से हीरो उसका 9 लाख का हार ऐसे गायब करता है कि किसी को पता भी नहीं चलता। आज रात हीरा अंकल की पार्टी में हम लोग ये फॉर्मूला क्यों नहीं अपना सकते, बताइए? हाँ, क्या बात है दीदी, वाह, हाँ यो एकदम सही रहेगा। अरे बापू, इससे मनोरमा आंटी को लगेगा कि पार्टी की भीड़ में किसी ने उनकी अंगूठी चोरी कर ली। बापू सोचना, हम यो सब किसी की भलाई के लिए कर रहे हैं, और हापी ने तो सिखाया है किसी की भलाई के लिए जो झूठ बोला जाए वो झूठ झूठ ना हो। वैसे तर जैसे कोई मौका मिले आप मनोरमा आंटी को कोई दूसरी अंगूठी दे देना, इससे उनका नुकसान भी ना होवेगा, है ना? अरे का सोच रहे, कुछ कीजिए ना। ठीक है, हम यही करेंगे। यस!
अरे सर, शादी की सालगिरह की ढेरों बधाइयां आप दोनों को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है हमारी फूफी जी। बिमला बुआ नमस्ते। तो आप ही हैं वो। नमस्ते नमस्ते। ओहो और इनसे मिलिए, ये हैं मेरी अलीगढ़ वाली साली की सास मनोरमा जी। नमस्ते 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 नमस्ते। आप हमको बस आशीर्वाद दे दीजिए कि हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त करें। हमारा आशीर्वाद है, जरूर कामयाब हो। क्या फर्क पड़ता है। तो आप लोग इंजॉय कीजिए, खाइए पीजिए। मनोरमा जी, बच्चों को सूप पिलाना है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये वेज है कि नॉन वेज, आप बता सकती हैं? अरे ये तो सरसों का तेल है, क्या फर्क पड़ता है। नहीं नहीं, सरसों का तेल नहीं लग रहा है हमको, लग रहा है वेज सूप है। आप जरा ध्यान से देखिए ना, वेज सूप ही लग रहा है। ओ, अरे तेल गिर गया, हाथ तेल गिर गया आप पे हाथ। लाइए लाइए, हम पहुंच जाते हैं। अभी तो आप कह रहे थे सूप है, आपको कैसे पता तेल है? वो आपने कहा ना कि तेल है, तो हमने मान लिया। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते ना। लाइए हम पहुंच देते हैं, हम निकाल देते हैं। गुड्डो, मेरी अंगूठी पे तेल गिर गया है, ये गिर ना जाए कहीं, इसे संभाल के रख दो। अच्छा ठीक है। हमने सोच लिया है कि आखिर करना क्या है। करना क्या है? खाना खा लिए, अब आइसक्रीम खाएंगे। स्वीटी, तुमने कभी ऐसा सोचा है कि अकल बड़ी होती है भैंस? डैडी, साइज में तो भैंस बड़ी होती है। आप भी किसे का पूछ रहे हैं? प्लान तो बताइए पापू। ये देखो, मनोरमा जी और फूफी साथ में बतिया रही हैं। पेट्रोल और चिकारी एक साथ। आप कुछ कीजिए ना, करते काहे नहीं। देखो हम ऐसा करते हैं, हम लोग तीन टीम में काम करेंगे। मीना तुम, ये मनोरमा जी हैं, फूफी और बॉस की मैडम जी, इन तीनों का ध्यान भटका के रखो। अच्छा। छोटी तुम और स्वीटी, हम बेडरूम में जा रहे हैं, तुम दरवाजे पे बाहर एकदम तैनात रहना। जैसे ही कोई खतरा नजर आया हमको सीटी मार देना, ठीक है? तो वो सीटी मारने आती है ना? नहीं डैडी। फिर ठीक है, है? अरे तो खास देना। तुम ऐसा करना क्या, बॉस बॉस को जरा हैंडल कर लेना भाई, ये बहुत तेज आदमी है, जरा ध्यान रखना हमको कहीं ताड़ ना ले, कहा हम क्या कर रहे हैं। ठीक से बाबू। ठीक है, अब सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लो। ऑल द बेस्ट। यस यस, चलो बाबू। आराम से। क्या फर्क पड़ता है, हमारी शादी में तो 530 बाराती आए थे और हमारी शादी में तो 8530 बाराती आए थे, क्या फर्क पड़ता है। आयो दादा, आप दोनों में तो गजब की बहुत जल्दी दोस्ती हो गई। हाँ, तुम भी आके बैठ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। ओ हो हो हो। काजल, तुम लोगों के पापा किधर गायब हैं? अंकल, पापा पापा टॉयलेट गए सर। हाँ जी। अटेंशन, आनंद हमारी पार्टी छोड़कर अक्षय कुमार की टॉयलेट में घुस गया। नहीं नहीं अंकल, अक्षय वाली टॉयलेट नहीं, आपके घर की बाजू वाली टॉयलेट में गए हैं। हाँ अच्छा अंकल, मैं भी कुछ लेकर आती हूँ, बहुत भूख लगी है। Thank you.
भैया क्या है, क्या क्या हुआ? चलो फ्री में चल के वहाँ कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। वाह, ड्यूटी पर कोल्ड ड्रिंक पीने का मजा ही कुछ और होता है भाई। चलो चलो। पहले यही सोचो कि पापा को अलमारी से बाहर कैसे निकाला जाए, उनकी हालत खराब हो रही होगी वहां पे। मम्मी समझ। आइडिया का? अरे मम्मी, मारा एक दोस्त से गफूर चाबी वाला, मैं उसे फोन करके बुलवा लेता हूँ। उसके पास मास्टर की का गुच्छा है, वो उसे मंगवा लेता हूँ। हाँ, वो दरवाजे पे आकर दे जाएगा। ठीक है ठीक है, जल्दी करो। जो ठीक रहेगा। आनंद अभी तक टॉयलेट से बाहर नहीं आया, लगता है आनंद का पेट कुछ ज्यादा ही खराब है। अंकल, बहुत खराब सा। लगता है आनंद के पेट का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम अभी डॉक्टर को कॉल करते हैं। मैं डॉक्टर को ही फोन लगा रही थी कि आप आ गए। ओहो, तुम लोग कॉल करो, हम अभी वापस आते हैं। एंजॉय। थैंक यू। ओके, जल्दी लगाओ, जल्दी लगाओ। हेलो गफूर भाई, चाबी वाला। अरे हमारे को आपकी मदद चाहिए। अरे क्या हो गया? अरे अरे छोटी, अरे छोटी। वरुणमा जी, ये लीजिए, आपकी अंगूठी में से तेल साफ कर दिया है, अब आप पहन लीजिए। अरे ऐसी अंगूठी तो सेम मेरे पास भी है, मेरे पति की आखिरी निशानी। तो फिर आप वो अंगूठी संभाल के रखिएगा। बीना जी, आनंद अभी तक टॉयलेट से बाहर आया नहीं, लगता है उसे टॉयलेट में सोने में आनंद आ रहा है। लेकिन आनंद टॉयलेट से निकलकर अलमारी में घुसा कैसे? पता नहीं। आनंद का पेट खराब है, अगर जल्दी से अलमारी नहीं खुली तो बहुत कुछ खराब हो सकता है। कुछ किसी ना, जल्दी से चाबी निकालो। अरे जल्दी से चाबी दो। अटेंशन। आप ठीक है? आराम से, आराम से। अरे हम बीना है, बीना। अरे पहचान रहे हैं हम।
पीना है। अरे हमको भी नहीं पहचान रहे। पानी दो, पानी दो, पानी दो। अरे ये किसके बच्चे हैं? अब तुम ये बताओ कि तुम अलमारी में बंद कैसे हुए? सर वो हुआ ये कि सर इधर नहीं उधर है। सॉरी सॉरी सर, सर हुआ ये कि आपको तो मालूम है ना सर, वो गलती से हम सुबह आपको अपनी फूफी की अंगूठी गिफ्ट करके चले गए एनिवर्सरी के चक्कर में, और फिर उसके बाद बिमला जी ये लीजिए आपकी अमानत, ये आप ही के पास रहे तो ठीक है, इसे मैं नहीं रख सकती। करेक्ट, क्या फर्क पड़ता है। दोनों में क्या प्रेम उमड़ रहा है। इस पे हमको एक कहावत याद आ रही है, सुनाए? नहीं लेकिन हम सिर्फ पहले का आधा सुनाएंगे, आधा आप सब लोगों को बोलना पड़ेगा, ठीक है? बोल देंगे। जान बची तो लाखों पाए, लौट कर बंधु हर कोई।